अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। टॉप 10 न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब ये वीडियो आगे रिकमेंड करेगा। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और क्वार्टर ग्रेड शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे क्वार्टर ग्रेड मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। आज भिवंडी में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए, जिससे भिवंडी शहर का कुल आंकड़ा पहुंचा 9,321। 379 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई, साथ ही 671 लोगों का इलाज जारी है। वहीं भिवंडी की हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। कई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं कर रही है ऑक्सीजन पहुंचाने की पुरजोर कोशिश। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आई नई गाइडलाइंस। 20 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सभी खाने पीने की दुकानों का टाइमिंग हुआ चेंज। सभी किराना शॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट वेंडर्स, डेयरी, बेकरीज, कॉन्फेक्शनरीज, चिकन, मटन, पोल्ट्री, फिश और अंडे की दुकान भी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी खुली। होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी सेवा में, बाकी सारे नियम रहेंगे वही। भिवंडी में हो रहे रास्ते के काम का क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक नेताओं में मची होड़। 19 अप्रैल को जिस रोड के काम का उद्घाटन स्थानिक नगर सेवक ने किया था, 20 अप्रैल को विधायक ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का और अपने परिश्रम का फल बताकर आज दोबारा किया इनॉग्रेशन। वहीं आमदार रई शेख ने मीडिया को अपनी सफाई देते हुए कहा, ये काम 2014 में पास हुआ था, लेकिन मैंने 300 मीटर अधिक आगे बढ़ाकर पास करवाया है। मुंबई अंधेरी से 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल FDA ने किए जब्त। वहीं 200 वायल्स मरीन लाइन से भी। मुंबई FDA को खबर मिलने पर अंधेरी मरोल की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर रेड मार के 2000 रेमडेसिविर के वायल किए जब्त और मरीन लाइन्स में एक एक्सपोर्टर के पास से 200 वायल्स FDA ने किए बरामद। ये सभी 2200 वायल फॉरन हॉस्पिटल में सप्लाई किए जाएंगे। मीरा भाईंदर के एंटी नार्कोटिक सेल ने MD ड्रग और तलवार समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शैलेश नागरकर अपनी पेट्रोलिंग टीम के साथ राउंड पर थे। काशीमीरा घोड़बंदर रोड ट्रांसिट कैंप के पास कुछ लोगों का ग्रुप दिखा, जिनमें से पुलिस को देखकर 2 लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने ग्रुप के 3 लोगों को पकड़कर तलाशी ली, जिनके पास से 80 ग्राम MD ड्रग और 5 तलवारें मिली। ड्रग की कुल कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई में मंत्रालय के 100 से भी अधिक स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। मंत्रालय पहले से ही 50% स्टाफ पर काम कर रहा था, जिसे और कम करने का विचार सरकार कर रही है। मंत्रालय के सभी डिपार्टमेंट में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। थाने के राबोड़ी इलाके में ऑनलाइन सोफा बेचना पड़ा महंगा। राबोड़ी के एक व्यक्ति ने सेकेंड हैंड सोफा 40,000 रुपए में बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला, जिसे खरीदने के लिए बायर ने कॉन्टैक्ट किया और QR कोड सेंड करके 1 रुपए का ट्रांजेक्शन दिया। जैसे ही सेलर के अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट हुआ, बायर ने दूसरा QR कोड भेजा और 10,000 रुपए सेलर के अकाउंट से कट गए, जिसके बाद लगातार सेलर के अकाउंट से पैसे डेबिट होते चले गए। 1,05,000 रुपए कटने के बाद सेलर को होश आया कि उसके साथ चीटिंग हुई। सेलर ने फौरन राबोड़ी पुलिस स्टेशन में कराई FIR दर्ज। कोरोना वायरस पर एक बार फिर गरमाई महाराष्ट्र में राजनीति। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने 2 रोज पहले BJP सरकार पर महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन का सप्लाई रोकने और स्टॉकिस्ट को डराने का आरोप लगाया था। उन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए BJP MLA अतुल भटालकर ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में मिनिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। SSC बोर्ड एग्जाम्स हुए कैंसिल। महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने कहा, मौजूदा हालात एग्जाम्स लेने के लिए नहीं है। हमने बाकी बोर्ड्स को एग्जाम्स पोस्टपोन करने के लिए कहा, लेकिन सबने कैंसिल कर दिया, तो हम भी SSC का एग्जाम्स कैंसिल कर रहे हैं। HSC एग्जाम्स हो गए मई एंड में। आज सेंसेक्स 243 अंकों की गिरावट के साथ 47,705 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 63 अंकों की गिरावट के साथ 14,296 पर हुआ बंद। गोल्ड 47,865 पे ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 4,728 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।